कुछ करना चाहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि YouTube स्टार्ट करो। YouTube एक बहुत बढ़िया माध्यम है। बिल्ली बिल्ली आँख वाली है। गुड इवनिंग गाइस, 5 बजी गए हैं मेरे को। एक्चुअली व्लॉग अपलोड कर रहा था, 2 बारी कॉपीराइट आ गया, 2 बारी उसको कट करके फिर से डाली, अब जाके व्लॉग अपलोड हुआ है। एंड आज एकादशी है, तो पहले तो 1-2 बजे उठा ही था क्योंकि आज संडे है एंड फंक्शन चल रहा है कोई, मैंने लगता है सज्जन मित्रा ना किसी का सामने। सो बाकी अभी बस नहाऊंगा थोड़ी देर में नहा के फिर उसके बाद कहीं चलते हैं घूमने, देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या सीन बनता है। संडे है आज, खाएंगे पिएंगे तो नहीं। कार अभी बहुत गंदी हो रखी है यार, लगता है इसकी ना सेरेमिक फिर से करवानी पड़ेगी, काम खराब। ओ हो सो गाइस, चलो पहले गाड़ी गर्म कर लेते हैं, फिर नहाता हूँ, फिर चलते हैं बाहर। सो गाइस, गुड इवनिंग, तैयार तो हो गए हैं। अब कल की बात जैसे मैं कर रहा था अपने सिस्टम के बारे में, जो इंडस्ट्री का सिस्टम है भाई, ऐसे ही यही सिस्टम है यार, सीधी सी बात, मतलब ऐसे ही सिस्टम चलता है। और ऐसी सी चीज़ें काफ़ी सहनी भी पड़ती हैं। मेरे को था कि चल यार एक बार ही हो जाए, 2 बार ही हो जाए, इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता यार, अब तो बहुत बार हो गया। मेरे को था कि यार इसके बारे में ना अब थोड़ा मेरे को बताना भी चाहिए। भाई मैं फिर से कहूँगा, अभी जो बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो बंदा तैयारी के साथ आए, उसको पता होना चाहिए कि भाई इतनी इतनी रिजेक्शन यहाँ पे होती हैं, बहुत सा सिस्टम यहाँ पे होता है, फिर जाके गेम बनती है। खैर छोड़ो यार इन सब बातों को, अब मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत जल्दी आपको सरप्राइज दूंगा एक। भगवान ऐसे नहीं, ऐसे कोई ना कोई काम बना ही देता है, आपको सबको पता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 200 दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे अपने कोई चक्कर तो है नहीं। सीधी सी बात, अपन हर वक्त मौज में ही रहते हैं, चाहे समा अच्छा हो चाहे समा बुरा हो, भाई अपना तो अच्छा ही रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा बुरा लगता है जब ऐसी सी रिजेक्शनें मैं फेस करता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि मेहनत करी होती है इस काम को लेके ना। सो यही सीन है। बाकी आज अपना कोई सज्जन मित्र है नहीं, सुंदर मेरे हिसाब से चला गया चंडीगढ़, एंड देखते हैं जाके क्या सीन बनता है। संडे ना यहाँ का, जैसे अपना बॉम्बे शहरों का संडे थोड़ा ना हैपनिंग होता है, सैटरडे संडे हैपनिंग होता है, यहाँ पे ना संडे पूरा ना पूरा डम्बेस्ट डे बोलता हूँ जिसको मैं ना, पूरे मतलब हफ्ते का यहाँ पे डम्बेस्ट डे होता है, मतलब इट्स नॉट गुड ओवर हेयर, इन्ना को खास काम या खास माहौल नहीं होंगे इतने। सो यार कल मैं व्लॉग को एंड करना ही भूल गया यार, बस चाचे नहीं आए हुए थे, बातें बूते करते 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 बस फिर जाके मैं सो ही गया, बस यही सिस्टम है। बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देंगे, बहुत जल्दी। आज हुशियारपुर नु होया कि पया वैसे है जब्बी लाला बड़ी ऐसा ही बन गया राती जाके मलाऊगा, मालश मूलश कराऊंगा बांह दी ना
पहला रश यार आधा घंटा उधर खड़े रहे आधा घंटा हूँ खड़े हुए हैं। प्रोग्राम की है फिर हो जी उपर वाल हो जाइए फिर उपर वाल किधर चलिए चौहाल वाल चलिए फिर डैम डूम चलते हैं है ना लाला दर्द भुल जानी है कि दर्द हुंदी की है खोलदे साडे वर्गे जिहड़े कुछ करदे ही नहीं है पासे लै लै बस हो जांदी नींद हुण इधरले पासे आऊ ते उधरले पासे आऊ सही गल है। सो गाइस 8:20 हो गए हैं बस अब घर पे जा रहे हैं कुछ सिस्टम क्योंकि बताया ना संडे भी पूरा दिन ही बोरिंग होता है कोई काम नहीं होता जिम नहीं होता ऑफिस नहीं होता समझ रहे हो इंसान कैसा है ना मतलब फ्री रहे तो उसका कुछ करने को मन करता है अगर फ्री ना रहे तो उसका फ्री रहने को मन करता है यही सिस्टम है लाइफ का। तो चलो घर पे चलते हैं हैरी पॉटर शुरू करता हूँ यार फिर से देखना बड़ी बढ़िया चीज़ है यार वो हैरी पॉटर भी ना सोया चलो चलते हैं घर। सो गाइस 10:30 हो गए हैं नींद ऑलमोस्ट आँखों पे है। मैं तो यार आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जो जो बंदे भी मतलब कुछ करना चाहते हैं ना मैं तो कहता हूँ कि YouTube स्टार्ट करो। YouTube एक बहुत बढ़िया माध्यम है फेमस होने का भी पैसे कमाने का भी और आप अपनी दिल की बात आप जो आप अपने दिनचर्या में कर रहे हो वो भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो है ना। मेरी दिनचर्या इस वजह से चल रही है कि दुनिया जो मेरे से जुड़ी हुई है वो देखना चाहती थी कि मैं लाइफ में क्या करता हूँ क्या नहीं करता है ना। सिस्टम क्या है मेरा कि मैं अब जैसे पंजाब में हूँ यहाँ पे मेरे को हर एक सुविधा है हर एक चीज़ है मेरे पास यहाँ पे गाड़ी है मतलब सब कुछ है मेरे पास यहाँ पे है ना। एंड तो हफ्ते में मैं 2 दिन ट्रिप रखूँगा बाहर का जैसे कभी मनाली चले गए कभी सिसु चले गए कभी स्पीति चले गए कहीं ना कहीं चले गए है ना। एंड जगह मैं वही चुनूँगा जो जैसे जो जिसमें 4x4 कार यूज़ ना हो क्योंकि मेरे पास 4x4 कार नहीं है और इन फ्यूचर मैं सोच भी नहीं रहा कि 4x4 कार लूँ क्योंकि कोई भी 4x4 कार लेनी हो उसमें मेरा कम से कम 20 लाख रुपए खर्च हो जाएगा और फिर अगर मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा पीछे से कोई नहीं चलाएगा वो वेस्ट हो जाएगी। अब समझ रहे हो हमारे घर में यही चीज़ ज़्यादा बोली जाती है कि चीज़ वो लो जो सबके यूज़ में आ जाए। अब जैसे कार यहाँ पे ये जो है इनोवा है या एंडेवर है ये हर एक बंदा यूज़ करता है घर में i20 है वो मैं नहीं चलाता क्योंकि मेरी पोलो चला चला के इतनी बस हुई होती है कि मैं हाइट में ऊंची गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ आपके पास प्लेटफॉर्म है आप इसे यूज़ करो। देखो यार ज़रूरी नहीं कि मुझे 6 महीने लग गए मोनिटाइज होते हैं आप साला 1 महीने में भी हो सकते हो। किसकी वीडियो कब चल जाए कोई आइडिया नहीं है कोई सिस्टम नहीं है आप भी अब अपना लक आजमाओ है ना। मैं तो ये चीज़ ताउम्र ही करने वाला हूँ डेली व्लॉगिंग। हाँ अगर मेरा सिस्टम कोई हैंग हो गया बॉम्बे में तो मैं हफ्ते में 2 दिन की व्लॉगिंग कर दूँगा या फिर ऐसे रखूँगा कि एक बंदा रख लूँगा अपने साथ जो मेरी डेली व्लॉगिंग करा करेगा मतलब एज इन मेरे को कैप्चर करा करेगा मेरे को मतलब कैमरा 24 घंटे उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव प्लान्स मतलब मेरे प्लान्स हैं दिमाग में बहुत प्लान्स हैं एंड तो मैं चाहता हूँ आप सब भी ये सिस्टम शुरू करें यूट्यूबिंग वाला ना क्योंकि
मेरा फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा होगा। देखो सिस्टम तो है बहुत हार्ड, कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई। हर जगह ना, अब जैसे अब क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे भी इजी हो गया फॉलोअर्स लेना। आप मतलब रीले बनाओ, कोई भी किसी टॉपिक को पकड़ो, उस पर रीले बनाने शुरू करो, आपके फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं भाई। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स लाने बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं यार। मतलब मेरे को पता है कि मैं यहाँ तक कितनी मेहनत करके पहुँचा हूँ, आगे भी बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बार ही अगर चैनल चल गया फिर सब्सक्राइबर की बात नहीं है। अभी मेरा थोड़ा बीच में ऐसे लटका लटका सा सिस्टम है, समझ रहे हो। तो मेरे दिल में आई थी बात कि मैं आप सबसे शेयर करूं कि आप सब भी ये सिस्टम करें। एंड सैटरडे संडे, मेरे को इस सैटरडे संडे भी कहीं जाना था, लेकिन संडे को एकादशी आ गई, एकादशी में बाहर का खाना नहीं खा सकते, तो यही थोड़ा सीन है। अगले सैटरडे निकलेंगे, फ्राइडे निकलूँगा, सैटरडे निकलूँगा, निकलूँगा ज़रूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो या आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरे को बहुत मदद हो जाएगी। हर हर महादेव।